फाइनली गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे हम कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो कैसे आप लोग इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लें, तो मेरे साथ फोटो एडिटिंग करना कुछ इस टाइप से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी की कर लेते हैं इसे वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो गाइस देख सकते रहा हम लोग का ओरिजिनल फोटो, इस फोटो को ले चल रहे डायरेक्ट कहाँ पे, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली देख सकते आ चुके स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। इन टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करते ही हम लोगों को करना क्या होगा, तो यहाँ से टोटल कंट्रास्ट का ऑप्शन दिखाया। टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करते ही हम लोग का फोटो थोड़ा एचडी क्वालिटी में हो जाएगा। थोड़ा डाउन कर लेंगे इसको, इसको माइनस कर लेंगे 5% करके। यहाँ से कॉर्नर में डन वाला ऑप्शन दिखाया, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमको फिर से यहाँ टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। एंड टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ से हमको एक ट्यूनिंग इमेज का ऑप्शन दिखाया। ट्यूनिंग इमेज पर क्लिक करके थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन एंड एमिनियंस को बढ़ा लेना है। जैसे हम लोग का फोटो येलो टोन में हो चुका है, तो यहाँ से करना के बाद डन कर देना होगा। डन करते ही हम सब हमको करना के बाद फिर से टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। एंड टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से डर्मा वाला ऑप्शन दिखाया, डर्मा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। डर्मा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेंगे एंड इतना 35% तक कर यहाँ से डन कर देंगे। एंड डन करते ही हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, शेयर वाला आइकन दिखाया और शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। एंड देखते तो हो चुका हम लोग का फोटो शेयर। तो इस फोटो को ले चलते हैं डायरेक्ट लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो गाइस देख सकते रहा हम लोग का ओरिजिनल फोटो, तो देख सकते आ चुका है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर लेकर। तो हमको सबसे पहले तो करना क्या होगा, तो यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऑटो वाला, एंड ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम लोग करना क्या होगा, तो यहाँ से इधर आना है एंड थोड़ा इसका सैचुरेशन कम कर देंगे। सैचुरेशन कम करते हैं यहाँ से बैक करके यहाँ डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से हम लोग एक प्रीसेट ले लेना है। तो इस फोटो को लेकर करना क्या होगा, तो हमको ठीक लेने वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन दिखा देगा। कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसका सेटिंग कर लेना होगा। एंड इतना सब करने के बाद फिर से हमको अपने ओरिजिनल फोटो के ऊपर जाना है। ओरिजिनल फोटो के ऊपर आते ही हम लोग यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देंगे। ठीक लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर लेते हैं। देख सकते हम लोग का फोटो बहुत ज़्यादा वाइट हो चुका है। तब हम लोग को करना क्या होगा, कलर्स पे जाकर मिक्स पे क्लिक करना होगा। सब फर्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, जिससे सैचुरेशन कम कर लेना है एंड सैचुरेशन कम करके लुमिनेंस को कम कर लेना है। देख सकते हम लोग का फोटो अभी कितना हाई क्वालिटी HDR हो चुका है। एंड हम इसी फोटो को शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इधर ऊपर के साइड में एंड शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ शेयर पर क्लिक कर लेते हैं। हाँ तो शेयर हो चुका है हम लोग का फोटो, तो ले चलते डायरेक्ट इस ऑटोटेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते आ चुके हैं ऑटोटेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमको करना क्या हुआ, एंड इस सभी लेयर को डिलीट करना है एंड स्क्रॉल करके नीचे जाना है हम लोग को। एंड हमको ये वाला पेंसिल सेलेक्ट कर लेना है, एक पेंसिल HD H वाला। एंड H वाला पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ से हमको स्मूथ ब्रश पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग करना क्या होगा, एंड इसको 16% रखकर या इसको 29% रख 23% रखकर बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल फोटो ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोग यहाँ सेटिंग बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कितना HD हम लोग आसान से बढ़ रहा है। एंड अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना होगा। दोस्तों फाइनली आप लोग वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।